बॉन्डिंग जो है अब डर से हट करके थोड़ा प्यार में बदल रही है, थोड़ी बॉन्डिंग में बदल रही है, और हम सोचे हमारे बच्चे हमसे भी आगे बढ़े। बस थोड़ा बदला है तो आधुनिकरण बदला है, उस समय भी गुरुकुल की परंपरा होती थी और आज भी लोग विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं। मेरे ख्याल से टीचर अपनी सिर्फ नॉलेज तो क्या, वो अपनी जिंदगी आपको दे देगा, जो खुद दिए की तरह जल के हमें प्रकाशित करता है। गुरु तो वही होता है जो हमारी मतलब हमारी गलतियों पे हमें डांटता है और हमें सिखाता है कि हमें ऐसे नहीं, हमें ऐसे करना चाहिए। मेरे लिए भगवान की सबसे बड़ी ब्लेसिंग मेरे टीचर्स ही हैं। कुछ जो कुछ भी आज मैं हूँ, सबका क्रेडिट सिर्फ मेरे टीचर्स को ही जाता है। अब किसी भी रामज्ञन से पूछ लो, सब पता होगा। और हम लोग, हमारे पेरेंट्स भी हमारी टीचर्स को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि पीटीएम में आके हमारी बुराइयों से ज़्यादा टीचरों की तारीफें होती है। क्यों, मेरे पास कोई हक ही नहीं है उन्हें कुछ कहने का, उनकी तारीफ करने का तो बिल्कुल भी नहीं है, बुराई करनी आती नहीं है। हज़ारों लोग बस क्रॉस हो जाते हैं, लेकिन एक वही वो टीचर है जो खुद सूरज की तरह जल के हमें प्रकाशित करता है और हमें डांटने के बाद भी हमें हर मुश्किल में अपना साथ देता है। 5 सितंबर मतलब टीचर डे। टीचर वो होता है, गुरु वो होता है जो छोटे बच्चों को जिंदगी का आगे जीने के लिए राह तो बताता है, साथ ही साथ उन्हें शिक्षा देकर ज्ञानवान भी बनाता है। मैं आपको बता दूं, आज टीचर डे मनाया जा रहा है और इस समय मैं सेक्टर 50 के रामज्ञा स्कूल में मौजूद हूं और यहां पर टीचर डे को लेकर एक प्रोग्राम किया जा रहा है जिसमें बच्चे कई तरीके की परफॉर्मेंस करेंगे और वो आप अभी देखें। आप देख रहे हैं कि स्कूल के इसी स्कूल के बच्चे हैं जो भांगड़ा कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं। देखिए सीधा सीधा आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस कर रहे हैं और आप मैं कहूंगा कि आप इसको बड़े एंजॉय करें और देखें। सर आज टीचर डे है और इसी मौके पे आज ये प्रोग्राम हो रहा है, तो इस पे आपका क्या कहना है और क्या संदेश देंगे? शिक्षक गुरु होता है, किस प्रकार से आज माहौल बदलता जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके प्रति टीचर्स डे के लिए सबसे पहले तो सब टीचर्स को शुभकामनाएं, हमारे प्रिंसिपल को शुभकामनाएं और आई एम वेरी डिलाइटेड, आई हैव बीन इन दिस ग्रुप रामज्ञा ग्रुप फॉर सो लॉन्ग ईयर्स, आई मीन इट्स बीन 7 ईयर्स नाउ, so I always enjoy to the fullest और मुझे बहुत पसंद है because the thing is थोड़ा सा pressure रहता है हर teachers में। ये teachers day एक ऐसा होता है जब teachers अपने लिए कुछ time निकाल पाते हैं and they all enjoy very much और I'm very happy। ये दो शब्द गुरु और शिष्य के संबंध में टिप्पणी कीजिए कि आज का जो दौर है वो क्या वो इसको अभी है या अछूता है या दूर होता हुआ जा रहा है? नहीं, मैं ये जरूर कहूंगा कि चेंज आया है, उतनी रिस्पेक्ट अब बच्चे नहीं करते टीचर्स की, अभी भी स्टिल प्राइमरी स्टेज पे, मिडिल स्टेज पे थोड़ा और काम होता है एंड बाय सेकेंडरी जब तक वो थोड़े सीनियर होते हैं सो, लेकिन वो बॉन्डिंग जो है अब डर से हट करके थोड़ा प्यार में बदल रही है, थोड़ी बॉन्डिंग में बदल रही है। सो नाउ द चिल्ड्रंस आर The students are not afraid of the teachers. They find a very good companion in them. So, थोड़ा सा चेंज आया है और टीचर्स को भी उसी हिसाब से एडजस्ट करना होगा कि अब नो कॉर्पोरल पनिशमेंट, आप बच्चों के
अब पहले क्या होता था, एक सेंट्रल टीचिंग होती थी, बस टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन अब जो है हमारे को एक स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम चाहिए होता है कि व्हाट स्टूडेंट इज लर्निंग दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट टीचर इज टीचिंग। आपने जो चेंज की बात करी, तो मैं एक लास्ट सवाल है कि आज की शिक्षा प्रणाली में और पहले की शिक्षा प्रणाली में क्या बदलाव है? काफी बदलाव है बहुत, लाइक पहले की शिक्षा प्रणाली में मैंने बोला कि गुरु को बहुत ऊंचा दर्जा देते थे, आज गुरु के लिए एक बच्चे जितने भी हैं वो गुरु के साथ खड़े हैं, गुरु भी बच्चों के साथ खड़े हैं, सो दे ऑल आर इन इक्वल बोर्ड, सो अगर बच्चे कुछ भी सीखते हैं तो थ्रू आउट द लाइफ टीचर भी साथ साथ उनके सीख रहा है। आज टीचर डे के मौके पर अपने बच्चों को, शिष्यों को क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? आज तो मैं उनको सबसे पहले तो उन्होंने इतने प्यारे प्यारे ग्रीटिंग्स, कार्ड्स, फ्लावर्स, इतनी मतलब उन्होंने हमें हैप्पीनेस दे के इतना अच्छा हमें फील कराया, और हम सोचे हमारे बच्चे हमसे भी आगे बढ़े। मैम आज के दौर में और पुराने दौर की बात करें तो आपने शिक्षा में क्या बदलाव देखा है? देखो पहले से डिफरेंस तो बहुत है, बिकॉज टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, पहले हम लोग पेन से लिखते थे, वो सब लिखते थे, आज का बच्चा कंप्यूटर में फटाफट सब कुछ करता है, तो थोड़ा डिफरेंस है। पहले रिटन ज़्यादा था, अब ओरल ज़्यादा है, पहले टेक्नोलॉजी ऑन पेपर थी, अब ऑन कंप्यूटर एंड ऑल दैट। अच्छा मैम, कोई बच्चा अगर कमज़ोर है तो उसके साथ जब टीचर सख्ती से पेश आता है तो आज के दौर में तो शिकायत हो जाती है, कहीं ना कहीं माता पिता ही आकर कंप्लेन करने लगते हैं, तो आप इसको कैसे देखते हो? और मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसे शिक्षा पे कोई असर पड़ता है? देखो पहली बात तो कोई टीचर, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा कि सख्ती से पेश आएगा, क्योंकि उस बच्चे पे अकॉर्डिंग टू मी जो मैं सोचती हूँ उस बच्चे पे और बच्चों से ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर बच्चों को हमने एक बार समझाया तो उस बच्चे को हम दो चार बार अपने पास प्यार से अगर हम समझाते हैं तो 100% श्योर वो बच्चा ज़रूर सीखता है। थैंक यू सर। आज टीचर डे है, शिक्षक और गुरु का रिश्ता काफ़ी पुराना है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आज के दौर में क्या बदलाव आपने देखा और दो शब्द अपने बच्चों के लिए क्या कहें? पहले तो मैं आपको बहुत साधुवाद देना चाहूँगा और शिक्षक दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं हृदय से बड़ा आभार प्रकट करता हूँ आपका कि जो आपने इस प्रकार से जो यहाँ पे कार्यक्रम हो रहे हैं उसको आप दिखा रहे हैं। देखिए वर्तमान समय में देखा जाए तो, और प्राचीन समय में देखा जाए तो गुरु और शिष्य की परंपरा तो हमेशा से चलती आ रही है, बस थोड़ा बदला है तो आधुनिकीकरण बदला है। उस समय भी गुरुकुल की परंपरा होती थी और आज भी लोग विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं, लेकिन उस समय गुरुकुलों में शिक्षा ली जाती थी, आज विद्यालयों में शिक्षा ली जा रही है, ठीक है, लेकिन वो गुरु और शिष्य की परंपरा जो है हर समय बनी रहती है। और कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही जो है ब्रह्म है, गुरु ही जो है पिता, और कहते हैं कि सबसे पहला विद्यालय जो होता है छात्र का उसका घर होता है, लेकिन उसके बाद जो होता है वो गुरु होता है। गुरु ही विद्यार्थी को जिस प्रकार एक सुनार सोने को तपाता है और इतना तपाता है कि उसको कीमती वस्तु बनाता है ताकि कोई उसको खरीद सके, इसीलिए गुरु जो है विद्या शिक्षार्थी को इतना सक्षम बनाता है कि शिक्षार्थी जो है आज के समय में अपने पैरों में खड़ा हो सके। देखिए मैं एज ए पत्रकार मैं यहाँ पे काफ़ी चीज़ों को देख रहा हूँ, यहाँ के बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। मैं कितने स्कूल में जाता हूँ, कितने फंक्शन अटेंड करता हूँ, लेकिन यहाँ के बच्चों का कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे है। ऐसी कौन सी दवाई आप देते हैं जो बच्चे इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं, इतने हाई लेवल पे जवाब दे रहे हैं, जो मैं काफ़ी हैरान हूँ? ऐसा कौन सी बात है, ऐसी क्या खासियत है आप लोग? सर मैं तो कहना चाहूँगा खासियत कुछ नहीं है, लेकिन आज के और उस समय के जो बालक थे, उस समय के जो छात्र हैं, आज के छात्रों में जो आत्मनिर्भर बनने का जो एक सपना है वो कह सकते हैं कि पहले तो क्या होता था कि हम लोग जो है किसी काम को करने में थोड़ा हिचकिचाते थे, लेकिन आज वर्तमान समय ऐसा आ चुका है कि व्यक्ति बच्चा हिचकिचा रहा नहीं है और खुल करके समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। देखिए आज टीचर डे है, 5 सितंबर है, पूरे देश में मनाया जाता है, रामाज्ञा स्कूल में मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? बच्चों ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ आप अपने बच्चों के लिए क्या संदेश देंगे? मैं तो पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो इतना अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, क्योंकि बहुत 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 मेहनत करते हैं, आगे से भी पीछे से भी, क्लास में भी पूरी मेहनत करते हैं, और इनको मैंने प्रैक्टिस करते हुए भी देखा है, तो मैं तो बहुत खुश हुआ। ये ऐसा सरप्राइज़ मतलब टीचर बस ड्रीम कर सकता है मेरे ख्याल से, एक ऐसे ऐसे अपने स्टूडेंट्स के लिए कि वो जो सिखा रहा है, जो चीज़ वो बताना चाहता है बच्चों को, वो दिल तक पहुँच रही है उनके। देखिए मैं अगर बात करूँ, मैंने भी बच्चों की पार्टिसिपेट यहाँ पे देखा है जो उन्होंने किया, लेकिन मैं खुद अपने पिछले बैक स्टेज पे चला गया,
मैं जानना चाहता हूँ ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो आपने इनको कॉन्फिडेंस लेवल हाई कर दिया। सर जादू की छड़ी नहीं है सर, बस मेरा तो सिंपल एक रूल रहता है क्लास में भी कि जो दिल की बात है वो दिल तक पहुंच जाए तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें वो समझ जाते हैं बच्चे। माइक पे मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग नहीं बोलते लेकिन आपके छोटे छोटे बच्चे भी अच्छे से बोल रहे हैं, ये क्या है, क्या कौन सा घुट्टी आपने पिलाई है? सर पूरा स्कूल यही बोलता है कि कुछ घुट्टी पिला दी है मैंने बच्चों को, पर ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे सर खुद से ही इतना प्यार करते हैं कि वो समझ जाते हैं बस जो मैं बोलना चाहता हूँ। और सर थिएटर तो एक पहले से ही एक लाइफ स्किल है, तो मैं उसको एक सिर्फ एक एक्टिविटी की तरह नहीं पढ़ाना चाहता, मैं एक ऐसा लाइफ स्किल दे रहा हूँ उन बच्चों को, तो और वो ले रहे हैं तो इसलिए मैं भी। अंत में शिक्षक दिवस पे क्या कहेंगे अपने बच्चों के लिए? मैं तो ये कहूँगा कि आप सब जितने भी बच्चे हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो सीख रहे हैं, आप अपने टीचर्स की बस इतनी रिस्पेक्ट करिए कि उनकी जो बातें हैं वो आप तक समझ आ जाए। मेरे ख्याल से टीचर अपनी सिर्फ नॉलेज तो क्या, वो अपनी ज़िंदगी आपको दे देगा बस। बहुत बहुत धन्यवाद। आज टीचर डे है, आप लोगों ने सेलिब्रेट किया, किस प्रकार से किया और क्या कहेंगे सबसे पहले दो शब्द? टीचर्स डे हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा चीज़ है क्योंकि इसमें हमें मौका मिलता है हम कितना टीचर से प्यार करते हैं वो बताने का, और टीचर वो है हमारे लिए जो खुद जल के हमें रोशन करता है। टीचर के लिए मेरे पास बस मेरे दिल से यही निकलती है कि टीचर वो होता है जो खुद दिए की तरह जल के हमें प्रकाशित करता है। हमें बाकी दिन तो मौका नहीं मिल पाता है लेकिन इस टीचर डे के माध्यम से हमें मौका मिला और हमने कुछ टीचर्स के लिए जो वो हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात थकते हैं, एक सूर्य की तरह दिन रात जलते हैं लेकिन हम कुछ दे नहीं पाते हैं, इसीलिए आज हम टीचर्स डे के ओकेजन पे उनको कुछ देना चाहते थे इसीलिए हमने करा। आपने सेलिब्रेट भी किया, बहुत अच्छा मैंने देखा परफॉर्मेंस की, और जो मैसेज दिया वो बेसिकली रियल मैसेज था, जो सच्चाई भरा था, जो जो आपकी लाइफ में भी शायद गुजरेगा, तो इस पर भी क्या कहेंगे? टीचर्स और स्टूडेंट का एक कनेक्शन बन जाता है, ठीक। लाइक अभी हम स्कूल में नाइन्थ में हैं, हम टेंथ में आएंगे, फेयरवेल आएगी, एक बाउंड बन जाती है उस 10-15 सालों में, मतलब हम आदत सी हो जाती है हर एक टीचर की कि उनकी डांट के बिना हम कुछ कर नहीं सकते, उनके मतलब हर एक चीज़ की आदत सी बन जाती है हमें उन टीचर्स की, तो इसीलिए हम बहुत मिस करते हैं, इसीलिए हम बस वही फेयरवेल दिखाना चाह रहे थे कि हम कैसा लगता है हमें कि जब हम आपसे दूर जाते हैं। तो क्या कहेंगे आप आज टीचर डे के मौके पर सबसे पहले अपने गुरुओं के लिए, क्या शब्द है आपके पास? गुरु तो वही होता है जो हमारी मतलब हमारी गलतियों पे हमें डांटता है और हमें सिखाता है कि हमें ऐसे नहीं, हमें ऐसे करना चाहिए। टीचर्स वैसे तो बहुत ज़्यादा इतने हार्डवर्किंग टीचर्स हैं, हम हर समय टीचर्स को हरदम परेशान करते रहते हैं, हर समय उनको एकदम उनके सर्वर में दर्द कर देते हैं, लेकिन एक मेरे हिसाब से टीचर्स डे सिर्फ एक डे नहीं होता, हर दिन ही टीचर्स डे होना चाहिए, लेकिन जो एक दिन हमें मिलता है उस दिन हम थोड़ी सी अपनी तरफ से हार्डवर्क करके मेहनत करके, बहुत टाइम से हम मेहनत कर रहे थे डांस थिएटर एक्ट सब दिखाने के लिए, हम बेशक ऊपर से उनको उतना ना दिखा पाए लेकिन अंदर से हमारे लिए जो उनके लिए रिस्पेक्ट है वो शायद वो ना जाने लेकिन हम जानते हैं कि हम उनसे दिल से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अभी हम नाइन्थ में हैं, कल को टेंथ में आएंगे, इलेवंथ में आएंगे, ट्वेल्थ में हम सब बिछड़ जाएंगे, तो हम यही चाहते हैं कि जितने ये साल रह गए हैं उन्हें खुशी खुशी उनको बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट करके और उनके साथ प्यार से जिए। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, जो नॉर्मल टीचर्स होते हैं वो तो बस ऐसे ही लाइक पढ़ाते हैं लेकिन हमारे जो टीचर्स हैं दे आर रियली स्पेशल, वो लोग मतलब दिन रात वो आपस में मतलब उनको क्लास जैसे बेल लग गई उसके बाद भी वो पढ़ाते रहते हैं, ये है उनका डेडिकेशन हमें पढ़ाने के लिए, और हमें बहुत याद आएंगे वो टीचर जो हमें डांटते थे हमेशा हमारी गलतियों पे, और कुछ ऐसे भी थे जो हमें अपने बच्चों की तरह मानते थे। आप क्या कहेंगे, कौन सी क्लास में, पहले तो ये बताएं? मैं 11th में हूँ। क्या किस तरीके से आपने सेलिब्रेट किया और क्या कहेंगे अपने टीचर्स के लिए दो शब्द? मैं अपने टीचर्स को सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहती हूँ, मेरे लिए भगवान की सबसे बड़ी ब्लेसिंग मेरे टीचर्स ही हैं, एक ऐसी छोटी सी लड़की जिसको कुछ नहीं आता था, जो इंटरव्यू में उससे नाम पूछ लिया जाए तो भी वो घबरा जाती थी, उसको उन्होंने आज इतना कॉन्फिडेंट एक इंडिपेंडेंट लड़की बनाया है, एंड आई थिंक मेरा जितना भी कॉन्फिडेंस जितनी भी अचीवमेंट्स कुछ जो कुछ भी आज मैं हूँ सबका क्रेडिट सिर्फ मेरे टीचर्स को ही जाता है, और आज मैंने उसे एक्सप्रेस करने की पूरी कोशिश करी है, हालांकि मैं कभी भी अपने टीचर्स को रीपे करने लायक नहीं बन पाऊंगी, मेरा उनके सामने मेरा कोई स्थान ही नहीं है, मैं उनके चरणों की रज हूँ, लेकिन स्टिल मैंने पूरी कोशिश करी है और आई थिंक अब सबको पसंद आई होगी। कोई क्लास में कोई ना कोई बच्चा कमज़ोर होता है फिर भी टीचर उसे प्यार करता है, क्या ऐसा कोई वाक्य जो नाटक में प्रदर्शित क्या आपकी क्लास में भी है? बिल्कुल है, मैं सबसे पहले तो अपना एग्जांपल देना चाहूँगी, जब मैं सेकंड क्लास में थी
उस टाइम पर मैं भी कंपैरेटिवली, क्योंकि मैं दूसरे शहर से आई थी तो मैं काफ़ी कमज़ोर थी, बाकी बच्चों से कॉन्फिडेंस की मैं बात करूँ तो मैं क्लास में बिल्कुल भी जवाब नहीं देना चाहती थी, मैं चुपचाप बैठी रहती थी, मैं बुली भी हुआ करती थी। इनफैक्ट मुझे जिस तरह से शो में दिखाया गया उस तरह से भी बुली करा गया है, एंड उस टाइम पर मेरे टीचर्स ही थे जो मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट बने हैं, सबसे ज़्यादा बड़ा। और आज मैं स्कूल की वाइस हेड गर्ल हूँ, आज प्री नेशनल लेवल शूटर हूँ, नेशनल लेवल कराटे चैम्पियन हूँ और इंटरनेशनल टेलीविजन पर एज ए रिसर्च भी रिसर्चर भी लॉन्च हो चुकी हूँ। सबसे बड़ी चीज़ तो आपको दे दी कॉन्फिडेंस। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस उन्होंने मुझे दिया है, उन्होंने मुझे नॉलेज दिया है, उन्होंने मुझे सिखाया है कि आई डोंट नीड एनी वन एल्स टू अप्रिशिएट मी फॉर एनी थिंग, दे आर माई सपोर्ट। क्या बोले, जैसे कि लाइक हमने शो में भी दिखाया था कि टीचर आके सबको संभाल रहा है, वो हमेशा होता है हमारे साथ, लेकिन हमारे जो टीचर्स हैं वो पढ़ाते तो है, अब पढ़ाते तो हर गुरु है, लेकिन हम जो गुरु जो होता है वो हमें मॉरल वैल्यूज़ देते हैं। अब मॉरल वैल्यूज़ से वो घंटों घंटों तक स्टार्ट हो सकते हैं कि बेटा तुमने ये गलत करा, तुम वो, ये नहीं कि वो हम पे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हमें ट्रॉमेटाइज कर रहे हैं, वो समझा रहे हैं कि नहीं, और फिर एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि लाइक रामायण में ऐसा लिखा था, महाभारत में ऐसा लिखा था, तो हमें उन सब की भी बहुत नॉलेज हो गई है। अब किसी भी रामज्ञ से पूछ लो सब पता होगा, और हम लोग हमारे पेरेंट्स भी हमारी टीचर्स को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि पीटीएम में आके हमारी बुराइयों से ज़्यादा टीचरों की तारीफें होती है। मैं एक लाइन सेंड करना चाहूँगा। कौन सी क्लास में हो बेटा? 8th। सबसे पहले ये बताओ आपके लिए टीचर के पास क्या शब्द हैं जो आज टीचर डे पे आप टीचर को बोलना चाहेंगे? मेरे लिए टीचर्स के लिए हमेशा एक ही शब्द है कि माई रोल मॉडल, आइडल, बस एक ही शब्द है। इसके अलावा उन्हें क्या कह सकती हूँ, मेरे पास कोई हक ही नहीं है उन्हें कुछ कहने का, उनकी तारीफ करने का तो बिल्कुल भी नहीं है, बुराई करनी आती नहीं है। बच्चे बड़े कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहे हैं, ये बड़ी अपने आप में बात है, एंड करने की बात कही, ये क्या शब्द कहना चाहते हैं और टीचर डे के मौके पर कोई खास वह शब्द एंडिंग में? भटकते हुए मुसाफिर का सहारा है टीचर्स, अगर जिंदगी, यूँ तो हज़ारों लोग हैं कहने को दुनिया में, लेकिन अगर वो टीचर ना होता ना तो ये दुनिया बबूल हो जाती, क्योंकि हज़ारों लोग बस क्रॉस हो जाते हैं, लेकिन एक वही वो टीचर है जो खुद सूरज की तरह जल के हमें प्रकाशित करता है और हमें डांटने के बाद भी हमें हर मुश्किल में अपना साथ देता है। तो ये रामज्ञ स्कूल है सेक्टर 50 नोएडा का, और यहाँ के बच्चे टीचर डे का सेलिब्रेशन बनाकर काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। और बात करें कॉन्फिडेंस की तो सभी बच्चों का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। मैं परवेश शर्मा, सिटीजन पोस्ट, दिल्ली।